इससे अच्छा कोई नहीं है। मतलब तो आप और... तो जो हमने बताया था कि आप इसमें हर साल डीएपी यूरिया फर्टिलाइजर आप कम कर रहे हैं, तो क्या आप फर्टिलाइजर डीएपी हटा रहे हैं? हाँ हम बिल्कुल। तो आपका ये हमारे किसान बता रहे हैं, देखिए हमारा फर्टिलाइजर भी हट जा रहा है। तो सर जी आप ये आपकी आलू की पत्ती किस तरीके से, थोड़ा पत्ती आप उसका दिखा दीजिए सर। आप खुद ही देखिए, आप देखिए इसका जो पत्ती है न एकदम सिकुड़न है, कुछ नहीं एकदम फैली है, और इसका जो एक साइज अच्छा है। पौधे की ग्रोथ भैया किस तरीके से हुई है? पौधे एकदम अच्छा है। पौधे किस तरीके से भैया मोटे हैं, देखिए किसान के हमारे पौधे दिखा रहे हैं, देखिए इस तरीके से किसी के पौधे नहीं है। तो ये आप जी हमारे मल्टीप्लायर से आप संतुष्ट हैं? हाँ एकदम बिल्कुल। तो आप ही और किसानों के लिए क्या संदेश दें कि आप मल्टीप्लायर, आप लोग मल्टीप्लायर यूज करिए और खेत में खाद की मात्रा धीरे धीरे कम करिए। ठीक है, देखिए हमारे पंडित पूरा के किसान है। ठीक है, ओके सर। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। ये मेरा सरसों है, घर का बीज जो मैंने अपने खेत में लगाया है। सब बोलते हैं कि कोई के पायोनियर का लगाओ, के श्री राम का लगाओ, मैंने अपने घर का बीज लगाया है। घर वाले भी बाहर वाले भी सब ये बोल रहे थे कि घर का मत लगाओ, पैदावार नहीं होगी, ये फलन नहीं होगा, ये हर वो है दुनिया भर की बात। मैंने इसमें एक बार मल्टीप्लायर लगाया है पानी के साथ, और मल्टीप्लायर और कृष्णा नारायण अस्त्र ऑल क्लियर और स्प्रे प्लस, मैंने एक स्प्रे लगाई है बस। और आप मेरा लहटा ये सब देख सकते हैं, देखो इसकी फरी कितनी मोटी है और बहुत लंबी है फरी, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इसका। ठीक है, और इस चने के जो प्लाट को आप देख रहे हैं, ये चने के प्लाट की ये पोजीशन थी कि एक पौधा वहां और कुछ जल रहे थे। तो दोस्तों मैंने इसमें मल्टीप्लायर तकनीक का उपयोग करा। ठीक है, मल्टीप्लायर तकनीक का कैसा उपयोग करा मैंने, बीज के साथ पहले तो बीज उपचार किया इसका 500 ग्राम प्रति क्विंटल के हिसाब से, वो बीज उपचार होगा। उसके बाद एक एकड़ में 1 किलो मल्टीप्लायर मैंने जमीन के माध्यम से डाला, पानी से आगे आगे, जैसे पानी निकालते हैं हम 30 दिन के बाद, उसके आगे आगे 1 किलो मल्टीप्लायर जमीन के माध्यम से उपयोग करा है। जहां मैं एक बोरी डीएपी की डालता था वहां 30 किलो डीएपी लिया, 30 किलो डीएपी में 1 किलो मल्टीप्लायर को अच्छा कोटेड किया। उसके बाद मैंने पानी नहीं निकाला, उससे आगे आगे डाल दिया उसको, और उसके बाद फिर पानी निकाला मैंने। और उसके बाद किसान भाइयों 3 बार मैंने कंटिन्यू मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल किया इसमें स्प्रे फार्म में। अब स्प्रे में क्या करा मैंने, 250 ग्राम मल्टीप्लायर लिया और स्प्रे प्लस ऑल क्लियर और नारायण अस्त्र, ये चारों प्रोडक्ट का मैंने एक मिश्रण घोल बनाया, घोल बना के इसमें स्प्रे किया मैंने। ऐसी पद्धति मैंने 3 बार की है। तो आज आप ये अमृतलाल पटेल हैं, ये पड़ा है चैनल, ये अमृतलाल पटेल हैं। गांव का नाम चाचा जी क्या है? महेशपुर। गांव का नाम महेशपुर चौपटवापुर के हैं। इन्होंने कितने खेत में चाचा जी आपकी आलू की फसल है? 11 बिस्सों में इन्होंने आलू की फसल लगाई हुई है। ये हमारा मल्टीप्लायर कितना उपयोग किए हैं चाचा जी इसमें? 250 ग्राम इन्होंने मल्टीप्लायर उपयोग किया है। ये आपके आलू के जो जिसके तने हैं किस तरीके से हैं चाचा जी? आलू तना हमारे बहुत मोटे मोटे हैं। पत्तियां किस तरीके से हैं चाचा जी? बहुत चौड़ी हैं। पत्तियां का आकार भी बड़ा है बता रहे हैं। और कलर किस तरीके से है चाचा जी? कलर बहुत बढ़िया है। बढ़िया में मतलब से बिल्कुल काले कलर की है? हाँ, काले कलर। बगल में ऐसे कोई आलू आपको दिखाई पड़ रही है? नहीं बिल्कुल नहीं। मतलब सबसे आपकी अच्छी आलू है? हाँ, सबसे अच्छी। और ये हमारे किसान हैं, बहुत संतुष्ट हैं, ये बोल रहे हैं कि तो अब इसके बाद चाचा जी ये इस मल्टीप्लायर को आप किसी भी फसल में साग सब्जी फल फूल गेहूं कहीं भी आप लगाएंगे तो आपको इसी तरीके से रिजल्ट आएगा।
अब आपकी खेती बिल्कुल जीरो बजट की हो जाएगी। आपको कुछ भी कोई भी रासायनिक उर्वरक डालने की जरूरत नहीं है।